हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी मुझे करंट चैनलिंग करनी थी। मैं जैसा कि आप लोगों को बता रही थी कि जो डिवाइन फेमिनाइन है उसकी अभी तीन तरीके की सिचुएशंस बनी हुई हैं, ठीक है, जिनमें से एक वो ट्विन फ्लेम्स हैं, एक वो डीएफ्स हैं जो रीयूनियन के बहुत ज़्यादा करीब हैं, ठीक है, जिनकी सोल मर्जिंग हो चुकी है, जिन्होंने अपने आप को काफ़ी बैलेंस किया है, खुद पे काम किया है, जिनमें से बहुत सारे लोगों का सरफेस, मतलब जो सरफेस रीयूनियन होता है, जिसको काफ़ी लोग अलग तरीके से भी लेते हैं, मैसेज के ज़रिए लेते हैं या कॉल के ज़रिए कि डीएम से कनेक्ट हो पाएँ, वो तो वो उसको भी मतलब अपना रीयूनियन मानते हैं। तो उस तरीके के रीयूनियंस तो लगभग चल ही रहे हैं इस वक्त। बट फ्रेंड्स, अभी जो सरफेस रीयूनाइट होना है, सरफेस रीयूनाइट होना मीन आप ये कह सकते हो कि आप अब की जो कुछ लाइफ आपकी बीतनी थी वो बीत चुकी, ठीक है, अब जो आपकी लाइफ रहेगी वो आपके डीएम के साथ बीतने वाली है। उस तरीके का जो रीयूनाइट होना है, मैं उस तरीके के रीयूनाइट होने की बात अब कर रही हूँ। देखिए, तो मैं उन डीएफ्स के आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी जो 3 जून तक की एनर्जी थी उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना हुआ था, ठीक है, साथ ही उसके कुछ फियर्स भी थे, मैंने जिसके बारे में आपको बताया था कि कुछ फियर्स लेके आई है ये एनर्जी, और वो फियर्स का जो मीन मुझे डाउनलोड मिला है, जो कॉलिंग मिली है, वो फियर का जो सॉल्यूशन है वो डीएम के पास ही है, ठीक है। ये वाली चीज़ है कि आप अगर कंफ्यूज हो अपनी एनर्जी को लेकर के, आपकी एनर्जी बैलेंस है, क्या हम रीयूनियन तक जाएंगे, क्या हम रीयूनियन तक पहुंचेंगे, ये जो कंफ्यूजन की एनर्जी है, जो इल्यूजन की एनर्जी आपको अपने ट्रैक में लेने की कोशिश कर रही है, लाइक फियर का जो इशू है वो इस टाइम आप पर हावी हो रहा था। अब ये जो कल नाइट की एनर्जी है, कल नाइट से ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में बदल चुकी है, ठीक है, और काफ़ी सारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो मेरे साथ रेजोनेट कर पाएंगे इस वक्त कि ये चीज़ हुई है उनके साथ कि मतलब जो कन्फ्यूजन या फिर फियर बना हुआ था उससे वो निकले हैं उस एनर्जी से, ठीक है। अब जो है वो फियर का इशू, इल्यूजन ब्रेक हो चुका है, राइट। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ फ्रेंड्स, जितने भी ट्विन फ्लेम्स या जो भी ट्विन फ्लेम्स इस मैसेज को सुन रहे हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुन लें कि जब आप बैलेंस होने की तरफ जाते हैं, चाहे आप शुरुआत हो रही हो आपकी इस जर्नी की इस वक्त, या फिर आप रीयूनियन के पास हो, या किसी भी स्टेज में अभी हो, ठीक है, आपको मैं एक चीज़ समझा देती हूँ कि कभी भी आप जब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हो तो आपको वापस से आपके टेस्ट शुरू हो जाते हैं। टेस्ट किस तरीके से कि आप वापस से उन लेयर्स में जाना शुरू ना कर दो जिन्हें हम इशू कहते हैं। इशू कैसे? एंगर का इशू, ईगो का इशू, ठीक है, एग्रेशन का इशू हो गया, ठीक है, या फिर वापस से पास्ट लाइफ की चीज़ें याद कर करके और वो रोना और इमोशनल होना, वो वाली जो एनर्जी होती है, पास्ट लाइफ एनर्जी, ये सारी, और अपने कार्मिक बॉन्ड्स को याद करके रोना, वो वाली जो एनर्जी होती है ना, बहुत लो वाली चीज़ होती है, मीन लो वाइब में रखने वाली जो एनर्जी होती है, उससे आप लोग निकलते निकलते आपने ये चीज़ तो समझ ली होगी कि टेस्ट आपके होते हैं, लेकिन आप ये चीज़ से मतलब ये चीज़ यूनिवर्स आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ये चीज़ आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाली है, आपके रीयूनियन तक भी रहेगी और आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाली है, कि आप अपने इश्यूज़ को, जिन इश्यूज़ को, जिन प्रॉब्लम्स को हील कर चुके हैं, उन इश्यूज़ से अपने आप को हमेशा बैलेंस रखना, मीन उन इश्यूज़ के आने से पहले ही आप उनको हील कर दें, आप उन ट्रैप्स में ना फंसें, आप उन इल्यूजन्स में ना फंसें। तो ये वाली जो फियर बना हुआ था कन्फ्यूज़न का कि हमारा रीयूनियन होगा या नहीं होगा, ये वाला कन्फ्यूज़न 31 से 3 जून के बीच ही इस तरीके की एनर्जी रहेगी। बट जैसे कि कल मैंने बताया कि इसका कुछ ना कुछ डाउनलोड या फिर कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आएगा, आंसर ज़रूर मिलेगा। इसका आंसर यही है कि आप इस चीज़ को शेयर करिए, इस एनर्जी को शेयर करिए, या तो अपने डीएम के साथ, या फिर अगर आप नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में हैं तो यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करिए मेडिटेशन टाइम में, ठीक है। अब जो दो तरीके की सिचुएशन बन रखी है फ्रेंड्स, जो न्यू ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी मैं बता देती हूँ, वो लोग अभी वही कंडीशन बनी हुई है, क्योंकि जो फर्स्ट सिचुएशन है वो ये है
के डार्क सोल टाइम से वो लोग निकले हैं, ठीक है, और आगे की तरफ अपनी जर्नी में बढ़ रहे हैं, पर चीज़ों को समझ रहे हैं, अभी वो चीज़ों को नया नया देख रहे हैं, ठीक है। और जो दूसरी सिचुएशन है उसमें ये है कि पेनफुल कंडीशन है, चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, ठीक है, डिटैचमेंट आ रहा है, वो डिटैचमेंट एक दिन में नहीं आता, उसमें टाइम लगता है, वो एक ही एनर्जी मंथली चलती है या फिर कुछ टाइम तक वो ही एक एनर्जी 15 दिन या फिर दो दो तीन तीन हफ्ते तक ऐसे ही चलता रहता है। इसमें बस एक ही चीज़ हम कर सकते हैं कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें। जितने भी न्यू ट्विन फ्लेम्स हैं मैं उनको भी यही बात कहूँगी, और जो भी ट्विन फ्लेम्स रियूनियन के करीब हैं मैं उनको भी यही बात कहूँगी कि यूनिवर्स पर बिलीव रखें। उन्होंने अगर आपको ये जर्नी दी है तो आपको वो इस जर्नी में रियूनियन तक ले करके ही जाएंगे। बस ज़रूरत है आपके विश्वास की कि आप यूनिवर्स पर, एंजल्स पर और उनके सपोर्ट पर, उनके ब्लेसिंग्स पर, और जो भी वो साइन दिखाते हैं आपको एंजल नंबर्स के द्वारा या फैदर या फिर नेचर के द्वारा, आप उनको कितना ज़्यादा चीज़ों को समझ रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, ठीक है। तो इन चीज़ों को अब अपने लाइफ में ऑब्जर्व करना शुरू करिए, हर छोटी छोटी चीज़ को, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स को समझना शुरू करिए कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, कौन सा व्यक्ति आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी देकर के जा रहा है, कौन सा व्यक्ति आपकी लाइफ में नेगेटिविटी देकर के जा रहा है। जो नेगेटिविटी देकर के जा रहा है उसको कोई भी रिस्पांस देने से अच्छा है आप इग्नोर करें और साइड हो जाएं, ठीक है। कोई भी नया कर्मा क्रिएट ना करें, उसको कुछ गलत ना बोलें, ठीक है, और ऐसी कोई भी एनर्जी एक्सचेंज ना करें, कोशिश करें ना जुड़ें इस तरीके के व्यक्तियों से, ठीक है। और जो पॉजिटिव है उसके वाइब्स को देखें कि वो वाइब्स आपके आपके बराबर हैं वाइब्स या नहीं है, मीन आपका स्टेज क्या है और जो पॉजिटिव एनर्जी में है ऑलरेडी इंसान उसका वाइब क्या है, इस चीज़ को समझना शुरू करें, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो जो ट्विन फ्लेम्स रियूनियन के निकट जा रहे हैं मैं उन लोगों से ये बात कहूँगी कि वाइब्स को पहचानना सीखो लोगों की, ठीक है। वापस से कार्मिक बॉन्ड्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं आपको, आपको एक पॉजिटिव, एक बेहतरीन, एक मतलब इस तरीके की लाइफ जीनी है जो परफेक्शन है, ठीक है, जिसमें सब जिसमें परफेक्शन है, वो परफेक्ट कपल होते हैं, वो मतलब लोग उनको देख के सीखते हैं कि नहीं उनका बॉन्ड देखो, उनका बॉन्ड कितना अच्छा है और हर चीज़ में अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, डिसीजन सेम होते हैं उनके, किसी भी चीज़ को लेकर आर्ग्यू नहीं करते एक दूसरे को, एंगर के इशूज़ नहीं है उनके बीच में, किसी भी तरीके ईगो एंगर ये जो भी इशूज़ होते हैं वो इशूज़ नहीं है उनके बीच में। तो उन सारी चीज़ों को समझिए, ठीक, और सेल्फ लव में हमेशा रहिए, अपने आप को हील करते रहिए, डेली मेडिटेशन करिए, चाहे रियूनियन के करीब जा रहे हो आप या फिर अभी आप शुरुआत में हो, लेकिन आपको इस वक्त इसी तरीके की एनर्जी में रहना है। अब मैं आपको बताती हूँ मैस्कुलाइन एनर्जी क्या कर रही है इस वक्त, जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है, फर्स्ट सिचुएशन जो बनी हुई है रियूनियन की तरफ, वो एनर्जी अभी अपनी डिवाइन फेमिनाइन को प्रॉपर सपोर्ट कर रही है, सपोर्टिव एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इस वक्त मैं आप लोगों को बता देती हूँ सबसे ज़्यादा जो इस वक्त आपको नंबर्स दिखेंगे, अब जो चेंजिंग आ रही है नंबर्स की एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो होगा 6336 69 369 963, मतलब ये 369 ये नंबर्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपकी एनर्जी पे इस वक्त। ये न्यू ट्विन फ्लेम्स के लिए भी, ये जो ट्विन फ्लेम्स रियूनियन के करीब जा रहे हैं उनके लिए भी यही मैसेज है। तो चलिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिए आप लोग अपना, ठीक है, और मैस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी सपोर्ट कर रही है इस वक्त अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को, तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करना ना भूलें बिल्कुल भी, ठीक है, टेक केयर फ्रेंड्स।